नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन तोमर और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्री मैच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन के बारे में। और इसकी मैं सिर्फ मात्र एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादा मैसेज आते हैं सर हमें सिर्फ एक या दो मेडिसिन बताइए। ज्यादा मेडिसिन बताते हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन ले, हम सिलेक्शन नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको होम्योपैथी में सबसे जो बेस्ट मेडिसिन निकल के आती है एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको कैसे लेनी है। तो यदि आप शीघ्र पतन जैसी समस्या से ग्रसित हो तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और उससे पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी नॉलेज आपको देता हूँ, कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक कंफ्यूजन है सबके माइंड में कि शीघ्र पतन का समय कितना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यही नहीं पता कि शीघ्र पतन की दवाई कब खानी चाहिए। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल ठीक है, जब हम उनसे बात करते हैं कि आपकी टाइमिंग कितनी है, कि सर हमारी टाइमिंग 3 से 5 मिनट की होती है, तो हम उनको कहते हैं आपको मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन किसके लिए? मेडिसिन उनके लिए जिनका टाइमिंग 2 मिनट से कम है, तो हम मान सकते हैं उनको मेडिसिन की जरूरत है। लेकिन जिनका टाइमिंग 2 मिनट से ज्यादा हो रहा है, 3 मिनट 5 मिनट हो रहा है, तो वो नॉर्मल टाइम है। इसलिए आप अपना पैसा बर्बाद ना करें और किसी के बहकावे में मत आइए कि आपका टाइमिंग 20 मिनट है तो तभी आप नॉर्मल है या 30 मिनट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, शीघ्र पतन के रीजन भी बहुत है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं और इसके लिए मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं एक ही होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। देखिए, शीघ्र पतन के बहुत कारण होते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ खाना खा रहे हो, ज्यादा गर्म चीज खा रहे हो, जिसकी वजह से आपके ब्लेडर में ज्यादा गर्मी हो गई है, लीवर में ज्यादा गर्मी हो गई है, या आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है शीघ्र पतन में। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं या जिनको हम मेडिसिन भेजते हैं उन कोरियर से, तो 99% एक ही केस निकल के आता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस। हो सकता है उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, या सोशल स्ट्रेस है, या हस्बैंड वाइफ में ट्यूनिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस निकल के आता है। फिर आता है कोई नशा, जैसे स्मोकिंग ज्यादा करता है या एल्कोहल का ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे 3 या 4 ही कारण निकल के आते हैं शीघ्र पतन के। बहुत बार तो हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, फ्री करते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते, चाहे वो क्लिनिक पर आए या हमसे बात करें, किसी से हम पैसा नहीं लेते फोन करने का। कोई हमसे बात करता है, आज तक हमने ऐसा नहीं कि आप हमसे बात कर रहे हो या व्हाट्सएप पर मैसेज का जवाब देता हूं मैं, तो कोई पैसा मांगता हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यही चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ मेरा यही पर्पज है कि आपको सही नॉलेज दे सको और आपका पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद होने से बचा सको। तो बात करते, देखो सीधे मुद्दे पर आते हैं, तो मेन जो मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है सेलेनियम 6x। और इसको यूज कैसे करना है, इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार। और कब तक लेना है, आप इस मेडिसिन को 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने 4 दिन मेडिसिन ली है और रिजल्ट आ जाएगा। आप थोड़ा समय दीजिए। एक जब भी मैं आपको कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं, तो कम से कम उस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप 1 महीना कंटिन्यू रखिए। क्योंकि हमारे पास जब मैसेज आता है, सर हमें 1 हफ्ता हो गया मेडिसिन लेते, कोई रिजल्ट नहीं आया है, इसका क्या फायदा, हमारा पैसा भी बर्बाद हो गया। देखिए, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप उस मेडिसिन को 1 महीना लीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। तो सेलेनियम 6x आपको लानी है होम्योपैथिक फार्मेसी से, और इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है। और उम्मीद है आपको शीघ्र पतन की बिल्कुल समस्या नहीं होगी, इन फ्यूचर भी नहीं होगी। बस आपको तो कारणों को ढूंढना है और उन कारणों पर काम करना है। और एक सबसे बड़ी बात है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि कोई भी आपको बहकाए और आप बहक जाए और अपना पैसा एकदम हम उनके सामने कह लो जी पैसा ले लीजिए, कितना भी पैसा फेंक देते हो आप। तो आप अपना पैसा नहीं फेंके अपना, सिर्फ आपको समझना है कि आप बीमार हो या नहीं हो, आपको समस्या है जेनुअन नहीं है। पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा हाँ सही में मुझे शीघ्र पतन है या नहीं है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है इसकी हमें शीघ्र पतन हो गया, नहीं जी कभी नहीं होता था, बस 1 दिन हो गया। बस वो 1 दिन के बाद ही अपने माइंड को इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि हर बार उनको शीघ्र पतन की समस्या होने लग जाती है। हो सकता है कभी कभी शीघ्र पतन हो जाता है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट के लिंग में तनाव नहीं आता है। कभी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिंग में तनाव कभी नहीं आएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बात है, यदि आप इन छोटी छोटी बातों को समझ लोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका पैसा कभी भी बर्बाद नहीं होगा और आप अपने पैसे को बचा सकोगे। इसलिए मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से सही नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। तो आप ये सेलेनियम 6x लाइए और शीघ्र पतन जैसी समस्या से
निजात पाई है। और हाँ, लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं जितने पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, इतने फोन आते हैं हमारे पास कि वो जिनको भी कहते हैं सर हमें सिर पतन की समस्या है, और जब हमसे बात करते हैं कोई सिर पतन की समस्या नहीं निकलती, हम कहते हैं आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, इतनी बेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, किसी भी बीमारी से आपको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट सीधा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या जो मेरे नंबर है इन पर बात करें, बेहिचक आप मुझे कॉल कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, या बहुत बार हो सकता है कि नहीं बात कर पाता, ऐसा हो सकता है कि पेशेंट रहते हैं, क्लिनिक पर भीड़ रहती है तो नहीं बात कर पाते, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी आपसे बात करने की, आपके जो व्हाट्सएप पर मैसेज के जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।